वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगेन आप लोग मुझे उसी ड्रेस में देख रहे होंगे और गाड़ी में देख रहे होंगे। तो अगेन गाइज, मैं आई हूँ चिंतपूर्णी माता मंदिर, जो कि गुड़गांव में पड़ता है। अभी मैं शीतला माता से होके आई हूँ, तो अभी तुरंत यहीं पे चिंतपूर्णी माता मंदिर पड़ती है, तो वहीं पे मैं आई हूँ। और अभी हम यहाँ पे भी प्रसाद ले रहे हैं। इस मंदिर के बारे में भी मैं आपको पूरा आगे वीडियो में बताऊँगी। तो पहले हम यहाँ से थोड़ा जो भी हमें प्रसाद चढ़ाना है माता चिंतपूर्णी में, वो हम यहाँ से ले रहे हैं। तो दोस्तों, चिंतपूर्णी माता मंदिर के दर्शन करने जब हम गए, तो वहाँ पे मुझे वहाँ के पंडित ने थोड़ी बहुत कुछ जानकारी दी, क्योंकि पंडित को भी उतना नॉलेज नहीं था। ये कोई नए पंडित आए थे जो पहले वहाँ पे थे, तो वो अभी हाल फिलहाल में घर गए हुए थे। तो जो पंडित मुझे मिले थे उनको भी उतना नॉलेज नहीं था, बट जितना उनसे हो पाया उन्होंने मुझे बताया। तो आपको जैसे पता है चिंतपूर्णी माता का जो मंदिर है वो हिमाचल में है, और वहाँ पर मैं तो नहीं गई हूँ, बट कभी समय होगा या फिर माता की कृपा होगी तो मैं ज़रूर वहाँ पे भी जाऊँगी। बट वहाँ पे आपको पता है कि माँ चिंतपूर्णी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे काफ़ी सारे मात्रा में भक्तजन लोग आते हैं। और हिमाचल प्रदेश में ये चिंतपूर्णी माता धाम या माता मंदिर आप बोल सकते हैं, वो हिमाचल में है। तो वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे वहाँ के पंडित ने कुछ जानकारी दी, तो जो भी जानकारी थी वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जो जैसे आपको पता है कि जो ये चिंतपूर्णी माँ चिंतपूर्णी मंदिर है, ये गुड़गांव के सेक्टर 5 ओल्ड रेलवे रोड पे स्थित है। और ये मंदिर पहले छोटा था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो ये मंदिर बड़ा होता गया, भक्तजनों का आना जाना होता गया। पहले इस मंदिर को उस पंडित ने बोला था कि पहले इस मंदिर में उतनी मतलब लोग उतनी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालुजन नहीं आते थे, क्योंकि छोटा मंदिर था और ज़्यादा वहाँ पे जो एरिया था वो एरिया ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, जैसे जैसे लोग वहाँ पे स्थिर होने लगे, यानी कि लोग वहाँ पे रहने लगे, तो यहाँ पे भक्तजनों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया, श्रद्धालु लोग काफ़ी हद तक आने लगे। तो जो इस मंदिर की इतिहास है वो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। इस मंदिर की स्थापना 87 में सन्यासी गुरु माँ लक्ष्मी देवी ने कराया था। और जो ये मंदिर की ज़मीन है, ये पंडित मोतीराम ने इस ज़मीन को गुरु माँ लक्ष्मी को बेचा था। ये बोला जाता है कि चिंतपूर्णी से लाए गए माछिन मस्तिष्क के भस्म और ज्योति से इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, वो भी सन्यासी गुरु माँ लक्ष्मी द्वारा। और गुरु माँ जो थी वहाँ की, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, जो कि सन्यासी थी गुरु माँ लक्ष्मी, उनका स्वर्गवास 2009 में हो गया था। और मंदिर की जो अभी देखरेख कर रहे हैं वो एक ट्रस्ट इस मंदिर का देखरेख कर रहा है। बोला जाता है कि जो चिंतपूर्णी माता मंदिर है ये सबकी मन्नतें पूरी करती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी माता का बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पे श्रद्धालु भक्तजन बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, उसी का छोटा लगा सकते हैं आप। वहाँ से मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया है, कन्यासिनी माँ लक्ष्मी द्वारा वहाँ से माता के छिन्न मस्तिष्क की भस्म और ज्योति ला के उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर को निर्माण किया। तो इस मंदिर की भी मान्यता
उसी मंदिर से उसी मंदिर की तरह है। तो बोला जाता है कि जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है। बोला जाता है कि चिंतपूर्णी माता मंदिर में सबकी मन्नतें पूरी होती हैं, माता सबकी मन्नतें पूरी करती हैं। और ये भी बोला जाता है कि जब ये मंदिर यहाँ पे बना था तो रेलवे रोड भी नहीं बना था। चिंतपूर्णी शक्तिपीठ के प्रतीक स्वरूप मंदिर को बनाया गया था, लोगों ने इसे मिलकर बनाया था। बाद में सेक्टरों के बनने और रेलवे रोड की जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे बसने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु जन जुटने लगे थे। और यहाँ पे नवरात्रा के समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु जन एकत्रित होते हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी कुछ ही साल पहले ये मंदिर काफ़ी बड़ा बनाया गया था, क्योंकि पहले ये मंदिर जहाँ तक मैंने भी सुना है, क्योंकि मेरे को आए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि ये मंदिर पहले छोटा था, तो इस मंदिर को अभी हाल फिलहाल एक दो साल पहले यहाँ पे का बनाया गया था। और नवरात्रा के टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा मात्रा में श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, यहाँ पे मेले का भी आयोजन होता है। आपको पता है इसी के माता मंदिर है जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो ये भी इसी के पास में है। तो ज़्यादा मात्रा में भक्तजन एकत्रित यहाँ पे भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ये भी मैंने आपको बता दिया कि चिंतपूर्णी माता मंदिर जो हिमाचल वाली जहाँ इनका मेन मंदिर है चिंतपूर्णी माता का, उसका ही आधा भाग आप लगा सकते हैं यहाँ पे बनाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग जब शीतला माता मंदिर में आते हैं तो यहाँ भी ज़रूर दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कभी यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कैसे आप लोगों ने इस मंदिर में आना है। गुड़गांव बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। हुड्डा सिटी सेंटर से मेट्रो स्टेशन और यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँचने वाली बसों से यहाँ ओल्ड रेलवे रोड और न्यू रेलवे रोड पर चलने वाले ऑटो रिक्शे के सहारे आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। ये मंदिर बस स्टैंड से तकरीबन 3 किलोमीटर ही दूर है। तो अगर आप लोग इस मंदिर में आना चाहते हैं तो इजीली किसी भी तरीके से आप लोग आ सकते हैं। बाकी मैं लोकेशन मैप आप यहाँ पर डाल दूंगी कि अगर आप लोग कभी आना चाहते हो यहाँ पे, या आप लोग अगर शीतला माता मंदिर पे आए हो गुड़गांव के, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे दर्शन कीजिएगा। तो बस कुछ इतनी ही जानकारी मुझे पंडित ने दी थी जो मैंने आपको बता दी है। अदरवाइज़ मैंने नेट पे भी बहुत कोशिश की इस मंदिर के बारे में जानने की, लेकिन बहुत कम ही मुझे इस मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें मिली, ज़्यादा नहीं मिल पाई। तो जितना हो पाए मैंने आप लोगों से साथ शेयर किया। बाकी आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो कि किस तरीके का ये मंदिर है और कैसा, मतलब पहले जैसे मैंने बोल दिया ये मंदिर छोटा था काफ़ी, तो अभी हाल फिलहाल में इस मंदिर को, यानी कि 2-3 साल पहले इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाया गया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो चिंतपूर्णी माता मंदिर की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस मंदिर के बारे में भी आप लोग सब जान चुके होंगे, तो अगर आप लोग भी कभी गुड़गांव आते हैं तो मेक श्योर आप लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ, बहुत ही अच्छा मंदिर है। चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत जल्दी मिलूंगी आप लोग को एक नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।